अरे बताओ यहाँ पे देखिए दाल वाल वगैरह। वही जब योगी वो सब ठीक था। बाप रे यार लगे लगे बनाने के बैठी। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप गाइज आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपके नैनीताल वाला भाई भी एकदम मस्त है। तो गाइज मैं इस सर्विस्ट उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से फिर से आप लोग एक नया ब्लॉग लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए आज नए दिन पे इस नए ब्लॉग को भी शुरू कर लेते हैं। तो आज के ब्लॉग को शुरू करने से पहले आज के मौसम की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप मौसम देख रहे हैं कि आज भी मतलब बादल लगे हुए हैं आसमान में, सुबह सुबह आज भी बारिश हो गई है तगड़ी वाली। दो चार दिन से मौसम यही रह रहा है तो ठंडा भी काफ़ी बढ़ गया है, तो इसी वजह से आज मैंने जैकेट वगैरह पहन रखी है। और बाकी गाइज आज का सीन ये है, तो आज मैं जा रहा हूँ निमंत्रण में बुरांसी पे। तो वहाँ पे मेरे बूढ़ माला कोट यानी कि पापा चाचा लोगों का माँ कोट है जहाँ पे, वहाँ पे श्राद्ध है बूबू का। तो वहाँ के चाचा लोग कर रहे हैं अपने पिताजी का श्राद्ध, तो बाकी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और अभी अम्मा तो चली गई है, बाकी मम्मी लोग भी आ रहे हैं अभी और चाचा भी गए हुए हैं। और बाकी घर पे हैं, बूबू तो घर ही पे हैं, पापा आज घर ही पे हैं और अभी छोटी वाली चाची भी घर ही पे है। चाची अभी वहाँ पे बर्तन धो रही है बढ़िया करके, तो चाची तो आज आ नहीं रही है, तो एक आध जने को घर पे भी रहना पड़ता है। तो चलिए गाइस बाकी अभी मैं भी जाने लग गया हूँ और मम्मी तो खेत में गई है, वो अभी आएगी घास लेकर के फिर आएगी। बाकी चाचा और अम्मा लोग चले गए हैं। तो ये देखिए बड़ी वाली चाची यहाँ ग्वाला के नीचे धार में। अभी घर में भी काफ़ी काम है, कोई कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा, बड़ी वाली चाची यहाँ ग्वाला रखी है तो वो भी नहीं आ रही निमंत्रण में अभी आज। तो गाइस अभी फाइनली मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पर मैंने जाना है, अपने बूढ़े माला कोट। तो ये देखिए, तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा तो यहीं पर है, तो यहीं पर जाना है मैंने श्राद्ध में। तो चलिए अभी चलते हैं, देखते हैं कौन कौन आ रखे हैं वहाँ पे। कहाँ जा रहा है? हैं इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के। तो अभी गाइस फाइनली पहुँच गया हूँ मैं, देखिए। बाप रे यार, शौक के बाद आदिला आ रही हो काको। दादी तुम छोड़िए बेचने आगे सा। सही चो सही चो, यहाँ की गर्दन लग रही हो। बाप रे यहाँ लगे लगे बनाने के बैठी। यार देखिए सारे चाची लोग ताई लोग बिल्कुल यहाँ बढ़िया पूरी वूरी वगैरह बना रहे अभी रसोई घर में। ये एक चाची आएगी। सही चो सही चो बनवा। बाकी चाचा लोग सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए आगे और यहाँ पे बन रहा है खाना। आप बुरंदा तो यहाँ पे बन रहा है अभी खाना। गाइस देखिए, अरे बाप रे यार दिखी ना क्या आपको। अरे सूजी बन रही ये चाचा यहाँ पे सूजी वूजी बना रहे अंदर। और बाकी यहाँ पे देखिए गाइस अंदर सारे बिल्कुल बैठे हुए, ताऊ लोग दादी लोग बुबू लोग सब ठीक था। चलो सही है, बढ़िया करके इनकी गप्पे वप्पे लग रही है। तो गाइस बाकी देखिए अभी फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने बूढ़ माँ कोट। तो यही है जहाँ मतलब चाचा लोगों के पापा लोगों का माँ कोट है। तो अभी यहाँ पे श्राद्ध है, तो बड़े वाले चाचा है, बड़े वाले चाचा करते हैं पापा का अपना श्राद्ध। तो अभी फाइनली मैं पहुँच गया हूँ, देखिए। तो ये पापा लोगों का माला कोट है मेरे, और मेरा है बूढ़ माँ कोट। मेरा है बूढ़ माँ कोट। देखिए इतने सारे लोग आ रखे हैं, कहीं पे रसोई घर में पूरी वगैरह बन रही है और कहीं पे खाना वाना वगैरह बन रहा है। बाकी बुबू लोग ताऊ लोग अंदर सब बैठ करके अपने बढ़िया गप्पे वप्पे मार रहे। तेनु तकिया बिना ने दिल रजदा मोहल्ले विचों कुछ ना करी। और बाकी यार देखिए मेरे बूढ़ माँ कोट में एक बड़ा सा दरवाजा भी है यहाँ पे, इंडिया गेट जैसा बिल्कुल। ये देखिए तो ये खुल रहा अभी तरफ खुल छोटे खोल रहा। चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर को। तो ये देखिए गाइस काफ़ी पुराना मकान है और ऐसे पहले के मकानों में इस प्रकार के जैसे कि दिख रहे हैं आपके इस प्रकार के मतलब कठड़े ये होते थे लकड़ी के। अब ये इतना बड़ा दरवाजा है यहाँ पे। यहाँ पे कौन कौन बैठ थके हैं? अरे सब ये थके आ गए आप क्यों आमवर, ये अम्मा बुरासी की, ये तो आपने देख ही रखी है गाइस पहले ब्लॉग पे। बाकी ये तो अम्मा ही हो गई, ये बच्चे हो गए यहाँ के, ये भी बुरासी की अम्मा हो गई। और टाँडी की मेरे की लागे टाडी की अम्मा, आज टाडी की अम्मा भी आ रखी है। ये पल्ली साइड में बुबू ताऊ लोगों की गप्पे चल रही है, यहाँ पे अम्मा लोगों की गप्पे चल रही है बढ़िया करके। अब यहाँ देखा गया मेहमान आते हुए कैसे
हनुमान आगे गया, देखो देख भी नहीं रहे, बाप रे। ए कुतवा तुम आगो डांस आज। अरे अभी अम्मा चाय बना करके ला गई है सबके लिए, बढ़िया आप भी दे लो। चलिए अम्मा कह रही आप भी दे लो सबको, आ जाओगे मिश्री के कटक के साथ। पहाड़ की चाय में तो टेस्ट ही अलग है। तेनू तक बिना नहीं दिल रजदा। तो गाइस देखिए आप, अभी अभी मतलब कितनी भयंकर वाली बारिश लग गई है बाहर पे, और उसके लिए अभी देखिए व्यवस्था भी कर रखी है, पूरी तिरपाल विरपाल लगा रखी है यहाँ पे। और अभी ताओ यहाँ पे देखिए दाल वाल वगैरह, वही जो भाई योगी वो बारिश देखिए तगड़ी वाली लग गई है यहाँ पे। तो अभी बाकी खाना वाना तो बन के रेडी हो गया। देखिए यहाँ पे अगेठी जला रखी थी, अगेठी में बनाई यहाँ पे। अभी ताओ लोग खाना वाना निकाल लें, तो अभी सब लोगों को बाकी अंदर ही खिलाएंगे। तो बाहर से तो मतलब बारिश लग गई है, तो सारे लोग जो भी हैं बड़े छोटे बच्चे लोग मतलब सबको अंदर बैठा करके खिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लग गई है तगड़ी वाली बारिश, बाहर पे बैठने का हो नहीं रहा है। तेनू तक बिना नहीं दिल रजदा, मोहल्ले विचों कुछ ना करे देवा वास्ता ओ बिबा। सब लोग यहाँ पे अंदर बैठ करके खा रहे हैं, क्योंकि बाहर पे तो बैठने लायक हो नहीं रहा क्योंकि बारिश आ रही है तगड़ी वाली। तो अंदर यहाँ पे कमरे में बैठे सारे बच्चे लोग, देखिए सोने रब दा मोहल्ले विचों कुछ ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, मोहल्ले विचों कुछ ना करी। हमें मैं नहीं क्यों ठीक से, हाँ मैं नहीं क्यों ठीक से, ठीक से घर बाबा, बाय 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 बाय, ठीक है फिर बैठो खाओ तुम आराम से, गप्पे वप्पे मारो, ठीक है ओके फिर मिलते हैं। तो क्या जब ये बढ़िया फाइनली खाना खा पी करके मैं तो चल गया हूँ घर को, बाकी मम्मी भी आ गई है वहाँ पे, तो सारे लोगों ने खा लिया अभी, बूबू बूबू चाचा लोगों ने सबने खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया अभी, मम्मी लोगों ने और चाचा चाची लोग जितने भी आ रखे हैं औरतें उन्होंने अभी खाने रखा है, तो वो लोग भी अभी अब खाना वाना खाएँगे। मैंने तो खाना वाना खा लिया, मैं चल गया हूँ। यहाँ पे यार बड़ी डर लगती है, देखिए यार बिल्कुल ये मिट्टी उट्टी, आजकल नई दीवार लगी है ना तो इस वजह से मिट्टी मिट्टी हो रही है यहाँ पर, तो वो बारिश में काफ़ी फिसलन हो जाती है, कीचड़ वीचड़ हो जाता है ना यहाँ पे, सुबह जाते वक्त तो मतलब फिसल जाता है यहाँ पर। तभी अभी मैं आराम से आया, बाकी मैंने दुकान में से अभी थोड़ा सामान वामान वगैरह लेना है, देखते हैं कोई तो होगा। चाची है, चाची की करना जी, है की करना जी। और बाकी यहाँ पर से व्यू चेक कीजिए आप, यहाँ से आपको बरकीटला धारी और घाटी पूरी एरिया दिखी, और सामने जो दिख रहा है आपको दीवार। तो गाइस देखिए अभी फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घर पे, बाकी बारिश तो यार रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, सुबह से बारिश लगी जा रही है। फिलहाल यार मैं जैकेट निकालता हूँ, मेरे को गर्म हो रहा है बहुत, अभी चढ़ाई में आया था ना फटाफट स्पीड में ही आया, मतलब गर्म हो गया अभी काफ़ी। चाची का कपड़े धोने का काम चल रहा धुला लें। बाकी गैज दो तीन घंटे के बाद में अभी थोड़ा सा बारिश रुकी हुई है, लेकिन गैज आज इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है हर जगह पे, मतलब काफ़ी कीचड़ हो गया, काफ़ी पानी पानी हो गया, घास वास सब भी काम हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बारिश में ना गैज ऐसे ही होता है, पहाड़ में ज़्यादा बारिश हो जाती है कोई भी काम मतलब हो नहीं पाता है, बड़ा मुश्किल पड़ता है काम करना। ऐसी बारिश गैज पहाड़ों में जब हो जाती है तेज वाली, और काम तो बाकी हो नहीं पाते हैं खेत वेत के, लेकिन जो अभी मेन काम होता है मतलब जैसे कि गाय बच्चे के लिए घास वास वगैरह बनाना, तो वो तो डेली का ही काम है, चाहे बारिश हो या फिर ना हो गाय बच्चों के लिए डेली मतलब घास बनानी पड़ती है, तो वो काम मतलब चल ही रहा है। बाकी देखिए गैज बारिश तो इतनी भयंकर लग रही है ऊपर से, यहाँ पे चाची मम्मी लोग बस कपड़े वपड़े धोने में लगे हैं, मम्मी ने धोए थे कल परसों में, डेली बारिश होती तो अच्छे से सूख नहीं पा रहे हैं क्योंकि धूप नहीं आ रही। आज चाची ने भी मतलब चाची ने भी आज कपड़े धो दिए, कल आज क्या लगे धूप वूप तो आ नहीं थी, भाई कपड़े वपड़े धो दिए सूखेंगे नहीं यहाँ यहाँ पे पिया तुम। तो गैज अभी हो गई है शाम, तो देखिए अभी का मौसम कुछ मतलब ठंडा भी हो गया है, तो अभी बढ़िया करके चाय वगैरह पीते हैं, अभी मम्मी ने चाय बना ली है, बढ़िया करके बिल्कुल गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं मस्त करके, अभी का मौसम क्योंकि आज काफ़ी ठंडा हो रहा है यार, आज
सुबह से काफ़ी भयंकर वाली बारिश लगी हुई है ना, तो दिन भर में मौसम काफी ठंडा हो गया, तो बढ़िया करके पहले चाय पी लेते हैं। मेरे हर रंग राग सुरां विच वस गई है तेरी तस्वीर, जिवे बारिश शहने इश्क च डुब के लिख दित्ती है, रंग इश्क दा चढ़िया मैं भी रंग जावा। तो गाइस बाकी अभी अपनी बढ़िया करके चाय वाय भी पी ली है शाम की मस्त करके, अभी थोड़ा सा ताजगी भी आएगी, थोड़ा सा गर्मी भी मिलगी बॉडी में मस्त करके। अभी बाकी शाम हो गई है गाइस, समय हो गया है 6:30-7 लगभग। तो बाकी जैसे कि देखा ही आपने आज के ब्लॉग में भी आपको थोड़ा बहुत अपडेट पहाड़ की मिली गई है, और मौसम तो बाकी आप दिन भर में आपने देखा है कि मौसम मतलब ख़राब ही रहा है, बारिश अभी भी बारिश ही हो रही है ऊपर से। तो बाकी गाइस अभी शाम हो गई है, तो मैं इसी शाम के साथ में आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की पहाड़ से नई नई अपडेट मिलती रहे इस चैनल पे। तो बाकी गाइज मैं सर्विस तो मिलता हूँ आपको फिर से अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं भी डूब जावा लोकी कहंदे ने।